हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे इस 2 मीटर कपड़े से लॉन्ग ड्रेस बनाने की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, 60 इंच का इसका पन्ना है, तो इससे लॉन्ग ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके कपड़े का पन्ना या फिर चौड़ाई कम है तो आप शॉर्ट ड्रेस भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी जो ड्रेस है उसका घेर बनाएंगे। तो इस तरीके से 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को रख दिया है। देखिए, आपको जितनी भी लेंथ लेना है अपने घेर वाले भाग की आप उतनी ले सकती हैं। फुल लेंथ में आप योक पार्ट माइनस कर दें और बाकी का भाग जो है उतनी लेंथ आप ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ले ली है 37 और यहाँ से मैं इसको काट दूँगी। फ्रेंड्स, इस ड्रेस में मैं यूनिक डिज़ाइनर स्लीव डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, ये कपड़ा क्रेप का है और क्रेप वाला कपड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, तो क्रेप कपड़े से आप ड्रेस बना सकती हैं। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी। फ्रेंड्स, ये कपड़ा मुझे 60 रुपये का पड़ा, 30 रुपये मीटर का था ये। तो अब ये घेर बनाने के लिए यहाँ पर मैं मशीन लगा दूँगी और धागा खींच दूँगी, तो हमारी जो है गैदर बन जाएंगी। और ये देखिए, इतना कपड़ा बचा हुआ है, इससे योक पार्ट और हम स्लीव बनाएंगे। तो ये देखिए, योक पार्ट के लिए मैंने चेस्ट की चौड़ाई ले ली है 12 इंच और लंबाई भी यहाँ पर मैंने ले ली है। जितनी भी लंबाई आपको योक पार्ट की रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शोल्डर का माप ले लिया है, 7.5 इंच पे मैं मार्क कर देती हूँ। और यहाँ पर आर्म होल की लंबाई भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आर्म होल की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली हुई है। और अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, यहाँ पर 1 इंच का मार्क करके यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। और इसके बाद हम नेक की चौड़ाई नाप लेते हैं, 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली हुई है और 5.5 इंच मैंने लंबाई ली हुई है। मैं राउंड नेक इसमें बनाने वाली हूँ, बाद में इसमें डिज़ाइन डालने वाली हूँ। आगे और पीछे दोनों का नेक की लंबाई और चौड़ाई मैंने सेम ही रखी है, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, अलग अलग काट सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ कटिंग कर देती हूँ। जो भी हमने मार्क किया है नेक की और आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें नेक की पट्टी काट कर लगाना है, तो मैं नेक भी फिनिश कर दूँगी। अब ये बाकी का जो कपड़ा बचा है इससे हम स्लीव बनाएंगे, डिज़ाइनर स्लीव। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये यहाँ से कपड़ा काट देते हैं और नीचे से भी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी हम काट देते हैं। 9 इंच हमने यहाँ पर लंबाई ली हुई है अखबार की, 4 फोल्ड करके इसको रखा हुआ है। और 9 इंच ही हमारी स्लीव का जो कपड़ा बचा हुआ है उसकी लंबाई है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने 9 इंच ही यहाँ पर हमने लंबाई ली हुई है स्लीव की और चौड़ाई भी इतनी ही ली हुई है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं और पीछे से हम 3 इंच का मार्क कर देते हैं। और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। और यहाँ पर गोलाई देने के बाद हम कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती कटिंग स्टिचिंग और ड्रेस कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट भी है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और ये देखिए, अब हम 3 इंच पे मार्क कर देते हैं स्लीव को और यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मार्क कर देना है और यहाँ से 3 इंच जो हमने काटा है उसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये जो हमने स्लीव काटी है इसको रखकर हम कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई 12 इंच है। पेपर की दोनों स्लीव को मैंने अलग कर दिया है, अब हमें कपड़े पर कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से, बाद में हम यहाँ पर जो मार्क किया है एक के ऊपर एक रखकर स्लीव को सिल देंगे और ये आगे हमारा ये पार्ट आएगा इस तरीके से खुला वाला। और अब मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ कि किस तरीके से हम कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा है तो मैं इतनी ही लेंथ ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन की। लॉन्ग स्लीव और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं,
और ये देखिए इस तरीके से मैं ये अखबार को रखकर यहाँ पर मैं कटिंग कर देती हूँ। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव की भी हम कटिंग कर देंगे। और किस तरीके से जोड़ना है वीडियो में मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी हमको दो भाग अलग कर लेना है और ऐसे ही उसका ऊपर का भाग को अलग कर लेना है काट के। और इसके बाद आप देखिए इस तरीके से हमको जोड़ना है, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है। जहां हमने मार्क किया था 3-3 इंच वहां हमें सेंटर पॉइंट को रखना है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कोरें सिल लेंगे, ये जो खुला भाग है इनकी कोरें हम सिल लेंगे और बाहर से भी कोरें सिल लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी हम ये घेर वाले भाग की कोरें सिल लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और धागा खींच देंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं नेक को फिनिश कर दूंगी, नेक की पट्टी काट के इन्हीं कपड़ों में से। और फिर उसके बाद इसको हमें जोड़ना है, बीच में हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को इस तरीके से हम काट लेंगे, मैंने 3 इंच लंबाई का बेल्ट लिया हुआ है। बाद में हम टक्स देंगे यहाँ पर, 4.5-4 इंच का टक्स हम यहाँ पर देने वाले हैं। बेल्ट आगे और पीछे दोनों साइड हम लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने नेक को फिनिश कर लिया है, आगे पीछे वाले भाग को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर टक्स भी मैंने दे दिए हैं आगे भी और पीछे भी, और ये मैंने बेल्ट भी यहाँ पर अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं 4.5-4 इंच का मैंने यहाँ पर टक्स की लंबाई दी हुई है और आप देख सकती हैं। और यहाँ पर मैंने गैप इसका 8 इंच रखा हुआ है दोनों के बीच का गैप। और ये देखिए ड्रेस के घेर वाले भाग में सिलाई लगाकर मैंने धागा खींच दिए हैं, इससे हमारी गैदर बनकर तैयार हो जाएगी। उतना ही हमको खींचना है जितना हमारा योग पार्ट की चौड़ाई है, उस हिसाब से आप खींच सकते हैं। आगे और पीछे दोनों के भाग को मैंने इस तरीके से खींच लिया है। स्लीव भी मैंने यहाँ पर इसकी कोरें सिल ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। देखिए आप 3-3 इंच का गैप देकर हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। फ्रेंड्स आपको अगर कुछ भी समझना है इस ड्रेस से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब ये देखिए आर्म होल की गोलाई दे देते हैं हम। ये कट वाला भाग है ये हम आगे रखने वाले हैं क्योंकि इससे बहुत ही स्टाइलिश लुक आने वाला है। और ये डिज़ाइनर स्लीव बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा अपनी ड्रेस में। और ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर हम स्लीव को जॉइंट कर देंगे सेंटर पॉइंट से, और दोनों स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये घेर को जॉइंट कर देंगे, फिर हम चेस्ट की फिटिंग लगा देंगे नीचे तक। फिर उसके बाद ये देखिए हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, तो इनसे हम इस तरीके से कंगूरे बनाएंगे फोल्ड करके, और नेक मर हम आगे की ओर लगाएंगे इस तरीके से, एक प्लेन और एक प्रिंटेड छोड़ छोड़ कर हम लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती बनकर तैयार है, मैंने इस पर प्रेस भी कर दी है तो इससे और भी इसकी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंगूरे लगा दिए हैं, मैंने एक एक छोड़ कर लगाए हैं, एक प्लेन और एक प्रिंटेड इस तरीके से, तो इससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देखिए स्लीव का कुछ ऐसा लुक आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड किया है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, इसको इस तरीके से फ्री ही रखना है, ये देख सकते हैं आप। और पहनने के बाद ये स्लीव भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये टक्स मैंने लगाए हुए हैं और ये बेल्ट लगाया हुआ है, इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो आप अगर ऐसा ड्रेस बनाने जा रहे हैं तो ज़रूर लगाएं उसमें टक्स और बेल्ट। उससे बेल्ट लगाने से ये होगा कि आपके ड्रेस की लेंथ भी बढ़ जाएगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। अब बैक से देखिए आप, कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। और बैक पे भी देखिए यहाँ पर मैंने टक्स लगाए हुए हैं और स्लीव का कुछ ऐसा लुक आ रहा है बैक से। तो आप भी इस तरीके से ड्रेस ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और ये ड्रेस बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। और ये ड्रेस आप वन पीस की तरह भी पहन सकते हैं, इसमें दुपट्टा और लेगी की भी ज़रूरत नहीं होती है। पहनने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है।
और इस तरीके से आप पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। तो आप 2 मीटर कपड़े में इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक ड्रेस, और आप यही ध्यान रखकर कपड़ा ख़रीदना, अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 60 इंच का पन्ना है तो ही आप लेंगे, तभी आपका लॉन्ग ड्रेस बनकर तैयार होगा। अगर कम कपड़ा है तो आप शॉर्ट ड्रेस भी बना सकते हैं, घेर को छोटा रख सकते हैं। और ये देखिए स्लीव का कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, अगर लॉन्ग स्लीव होती तो और भी ब्यूटीफुल इसका लुक आता। फ्रेंड्स, इसमें कम ही कपड़ा बचा हुआ था इसलिए मैंने लॉन्ग स्लीव नहीं लगाई हैं, और कंगूरे लगाने से इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं बैक से भी इसकी काफ़ी अच्छी फिटिंग है, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो ज़रूर आप बनाइएगा, स्लीव आप अपने अनुसार डिज़ाइन भी रख सकते हैं या विदाउट स्लीव भी आप बना सकते हैं इस टाइप के गाउन को, विदाउट स्लीव भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो स्लीव की डिज़ाइन आपको कैसी लगी, और ये जो कंगूरा पैटर्न मैंने इसमें दिया हुआ है वो भी आपको कैसा लगा। और ये देखिए इसमें फ्रेंड्स घेर में जो प्रिंटेड मल्टी कलर पार्ट आ रहा है उसे हमने ऊपर भी रखा हुआ है योक पार्ट में, उससे अच्छा लुक आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जैकेट बनाई थी बचे हुए छोटे छोटे कपड़ों की कतरन से, तो इसके साथ भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपने अभी तक इस जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। इस ड्रेस का लुक इस जैकेट के साथ कैसा आ रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जैकेट के साथ भी ये अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी मैं कुछ रील्स डालती हूँ, इमेजेस डालती हूँ, जो भी मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ उससे रिलेटेड मैं कंटेंट वहाँ पर भी डालती हूँ। और आपका कुर्ती डिज़ाइन या ड्रेस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ट्राई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वन पीस ड्रेस की डिज़ाइन कैसी लगी, और भी ऐसी वीडियो चाहिए क्या।